क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहन और बच्चों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लुकस के सुसमाचार से अध्याय 12 वाक्य 39 से 53 तक। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फुट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फुट होगी, 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध, माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध, सास अपनी बहू के विरुद्ध और बहू अपनी सास के विरुद्ध होगी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, जब कोई भी सामान्य व्यक्ति इन वचनों को पढ़ेगा तो अवश्य उसे बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि हम जब कभी प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि प्रभु यीशु जो प्रेमी पिता हैं और वह इस संसार में शांति लेकर आए हैं और वे हमारी मुक्ति के लिए संसार में आए हैं। लेकिन आज के वचन में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी इतनी अभिलाषा है कि यह धधक उठे। और आगे वे कहते हैं, और यह न सोचो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फुट डालने आया हूँ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में आग के बारे में बात करते हैं। क्या है यह आग? आइए हम इन्हें जानने की कोशिश करें। हम मलाकी के अध्याय 3 वाक्य 2 से 3 में पढ़ते हैं, जहाँ पर नबी के हमसे कहते हैं कि कौन उनके आगमन के दिन का सामना कर सकता है? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश्य है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्र को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, क्या यीशु यह गलाने या शोधन आग के बारे में बात कर रहे हैं? जो बांटता है, जो अलग करता है, अर्थात हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले जाता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु जो ज्योति है, जो आग है, वह हमें पापों से मुक्त करके हमें ज्योति की ओर ले जाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि नबी मलाकी के बाद कुछ सालों बाद हम देखते हैं यूहन बपतिस्ता भी इसके बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार नए व्यवस्थान में संत यूहन बपतिस्ता वे कहते हैं कि मैं तुम लोगों को जल और पश्चाताप का बपतिस्मा देने आया हूँ, लेकिन जो मेरे बाद में आने वाला है वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है और वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हम देखते हैं यहाँ पर हमें 3 चीज़ देखने को मिलती है। पहला, कि आग जो हमें हमारे पापों से मुक्त करेगा। दूसरा, कि पेंतकोस के दिन हम देखते हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा आग के रूप में प्रेरितों के ऊपर उतरता है। और तीसरा, हम देखते हैं कि अंतिम न्याय के दिन के बारे में बताया गया है, जो कि हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का 1 पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 में, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु का दिन जो आग के साथ आएगा उसे प्रकट कर देगा और उस आग द्वारा हर एक के काम की परीक्षा ली जाएगी, अर्थात अंतिम न्याय के बारे में बताया गया है। तो हमारे कार्य, हमारा जीवन, जिस प्रकार हम जीते हैं उसका न्याय अंतिम समय में होगा। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार हमें बताया गया कि आग एक शुद्धिकरण का प्रतीक है, आग जो पवित्र आत्मा का भी प्रतीक है। प्रभु चाहते हैं कि
पवित्र आत्मा रूपी आग सारे संसार में फैल जाए और सारे संसार को शुद्ध कर दे, सारी बुराइयों से जलाकर भस्म कर दे। जब तक आग संसार के कोने कोने में नहीं फैल जाती, तब तक प्रभु का कार्य पूर्ण नहीं होगा। प्रभु कहते हैं कि मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु बपतिस्मा की बात करते हैं, वह है उनके मरण के बारे में कि उनका जो मिशन कार्य है जब तक वह पूरा नहीं हो जाता वे व्याकुल रहते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि कई बार कोई गैर ख्रिस्तीय ख्रिस्तीय जीवन अपनाता है, यीशु को अपनाता है, तो हम देखते हैं कि उनके परिवार में भी फूट पड़ जाती है। घर वाले या परिवार वाले उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो यीशु के पीछे चलता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कई बार घर के सदस्य आपस में लड़ लेते हैं, आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हो सकता है कि उनकी जो विचारधारा है एक दूसरे से मिलती नहीं हो, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं जब से यदि घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी, 3-2 के विरुद्ध, और पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा, पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। और आज हम ये संसार में हमें देखने को भी मिलता है कि किस प्रकार माँ बाप के विरुद्ध अपने बेटे या बेटी खड़ी हो जाती है, कई बार जमीन जायदाद के लिए, कई बार कुछ उनकी विचारधारा के विरुद्ध बच्चे खड़े हो जाते हैं या माता पिता उनके विरुद्ध हो जाते हैं। तो ये आज हमें संसार में हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रभु के वचन ये सत्यता में हमें देखने को मिलता है। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, प्रभु यीशु हमसे आज क्या कहना चाहते हैं इन वचनों के द्वारा। सर्वप्रथम प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि हमें प्रभु में प्रेम रखना चाहिए, प्रभु में विश्वास रखना चाहिए। और जब हम प्रभु में विश्वास रखेंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे, तो हम प्रभु के प्रेम का या प्रभु के जो अनुग्रह का हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो लोग हमारे विरुद्ध खड़े नहीं होंगे, हमारे परिवार वाले हमारे विरुद्ध नहीं होंगे, लेकिन प्रभु जो हमसे हमें आश्वासन देता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, अंतिम समय तक तुम्हारे साथ रहूँगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम सभी के जीवन में दुख तकलीफ आती है, परेशानी आती है, लेकिन प्रभु जो हमारा है वह हमें प्रेम करता है, वह हमें शांति देता है, वह हमारी मुक्ति के लिए आया है। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि कई बार प्रभु हमारे जीवन में भी हमारे परिवार में भी फूट पड़ी है, कई बार हमें भी उस आग की आवश्यकता है अर्थात पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए और हमारे घर और परिवार में शांति और एकता लाइए। इसके लिए हम आराधना में विशेष रूप से प्रार्थना करें।